मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग पर हो रही सियासत की। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को पुरानी तस्वीरें याद दिला रही है। मामला गरीबों को राशन बांटने का है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की बात कही, तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के कार्यक्रम की याद दिलाई। उसमें प्रभुराम चौधरी के समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इस घटना को पीसी शर्मा ने याद दिलाया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। अभी प्रभुराम चौधरी जी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, वहां का सोशल डिस्टेंसिंग, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी वहां कार्यक्रम किया शोकपुर में, वहां का सोशल उसकी बात करें नहीं, ये तो गरीबों को राशन बांटा है रामेश्वर जी और उनके मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये घर बैठे हुए हैं, लोगों को बांट नहीं रहे, राशन की दुकान से राशन मिल नहीं रहा है, तो लोग भूखे मरेंगे। शिवराज दिग्विजय सिंह ने तो जाके राशन बांटा, लोग उमड़ गए, भीड़ आ गई, बाद में उनको व्यवस्थित कर दिया। जब उस मैदान में दशहरा मैदान में जब हुआ तो गोले में बैठे थे लोग। अब आइए आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह गरीबों को राशन बांट रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों की भीड़ कितनी है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, ये आज की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर में पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, जब 200 से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस के। उस दौरान भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। तो चलिए इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस से अब्बास हफीज जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल आप दोनों से ही करता हूं मैं सर, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील जनता से कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां ही ऐसा करेंगी सर, तो आम जनता से हम क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? रजनीश जी। नहीं बिल्कुल, देखिए ये कोरोना कोई भाजपा कांग्रेस को देखकर नहीं अपना काम करेगा। बिल्कुल। COVID-19 को लेकर चाहे भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, कार्यक्रम के समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का काम, अपने हाथों को सुरक्षित रखने का, धोने का काम, ये तमाम प्रकार की सभी बातें जानते हैं, किसी को नए सिरे से बताने समझाने की जरूरत नहीं है, पालन करना करवाने की जरूरत और तेजी के साथ में है जी। ये इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वह भाजपा के हों। और जिन अभी तो हमारे पब्लिक के बीच में कोई वैसे कार्यक्रम हुए नहीं है, जो चित्र प्रदर्शन आए हैं उसमें भी कोशिश हुई है कि जो डूज एंड डोंट्स उनका पालन किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोताही लापरवाही बरती गई है तो नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, जीवन है तो बाकी दुनिया आपकी राजनीति की भी होगी, सामाजिक जीवन की भी होगी। मुझे लगता है कि इसमें सब समझदार हैं, सब समझेंगे, थोड़े से किसी तात्कालिक कारण के चलते अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ऊपर समाज का विषय है और समाज में सभी उसके भागीदार हैं, रहवासी हैं, निवासी हैं, आगे से इस बात का और सख्ती से पालन करना करवाना होना चाहिए। अभी पिछले बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी और संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी ने तमाम जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ में चर्चा करते समय वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे ये बात रिपीट की है और कहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में ये प्रोटोकॉल्स ना टूटे, गाइडलाइन जो प्रशासन के द्वारा बताई गई है उसका पालन करें। तो हम प्रतिबद्ध हैं और हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आगे भी किसी प्रकार का ये पालन जी। अब जी रजनीश जी, तो मानते हैं कि जो बीजेपी दफ्तर में कुछ दिन पहले हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि जब दिग्विजय सिंह जी राशन बांट रहे थे, जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी वहां पर लोगों की परेशानी दूर करने पहुंचे, अच्छा काम था सर, अच्छा काम था, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं, अच्छा काम था। लेकिन दूसरी बात जी मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो वो लोगों को आज हम कहीं ना कहीं समझाना चाहिए हमें फिर से। लेकिन कोताही की बात जो रजनीश जी कर रहे थे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था,
भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन कोताही किसने की थी? कोताही प्रदेश के मुखिया ने की थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की, राजभवन में कोताही हुई, उसके बाद आज आप राजभवन की आपको खबर सब मालूम है, उसके बाद प्रदेश के कार्यालय में भाजपा के सत्ताधारी दल के कार्यालय के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई चली जा रही हैं, कभी इंदौर रेड जोन से लाया जाता है तो कभी रायसेन के ग्रीन जोन ऑरेंज जोन से लाया जाता है लोगों को, और सदस्यता दिलाई जाती है, तस्वीरें सब गवाह हैं। मुझे लगता है कि आज अच्छी अच्छी बातें बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ उनकी किसी बात से जो उन्होंने कही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उड़ाना, और जिन बी डी शर्मा जी की वो बात कर रहे हैं उन्होंने ही सदस्यता दिलवाई थी। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करेंगे कि दोनों ही पार्टियों से, राजनीतिक दल से ऐसी तस्वीरें हमें दोबारा देखने को मिले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।